उमर अयूब कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए बोले, असम्बली में अजनबी अफराद मौजूद हैं, गला भी कट जाए तब भी हमने आवाज उठानी है। राजा परवेज अशरफ ने जवाब दिया, इलेक्शन कमीशन ने जिन अरकान को नोटिफाई किया वो ऐवान के मौजिस अरकान हैं। स्ट्रेंजर्स इन द हाउस मौजूद है जो कि फॉर्म 47 की वजह से गलत तरीके से आए हुए, वो इस हाउस के प्रोसीजर का, इस हाउस के स्पीकर के इलेक्शन में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। जो ऑनरेबल मेंबर इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाइड कर दिए हैं, दे आर द रिस्पेक्टेबल मेंबर ऑफ दिस ऑगस्ट हाउस। ये आप बाहर लड़े लड़ाई। फॉर्म 45 का बंदा यहाँ बैठ सकता है, अगर फॉर्म 45 का नहीं है तो वो स्ट्रेंजर है, उनके पास कोई राइट नहीं है। इनके अपने लोग उनको नहीं मानते। ये जो आपके पास ओहदे बांधने बैठे, इनके फैमिली मेंबर्स, इनके बच्चे भी नहीं मानते। ये 2018 का पैदा है, बिल्कुल उस वक्त ये पैदा हुआ था। जनाब स्पीकर, ये इनको हौसला दें, ये सुने बात, ये इनमें हौसला ही नहीं है, ये हकीकत सुनने नहीं चाहते। देखिए 2018 का इलेक्शन तारीख का बदतरीन धांधली ज़्यादा इलेक्शन था। उस वक्त इलेक्शन में आपको पता, प्री पोल जो हुआ वो भी इनके सामने आई है। जो उतने खड़े ना इनमें आधे वो थे जो लाए गए, उनमें शामिल किए गए।